नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतानजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका सतानजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये शो हिंदी में कर रहा हूँ पर्पसली, क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा हिंदी भाषा तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा समझना अमेरिका को। और एंड आई विश ऑल अमेरिकन्स 248th इंडिपेंडेंस डे and happy July 4th, happy 4th, and people who are watching it, you can turn the translators on and you can listen to this translated in English. What I'm going to quote is official sources of information. मैं official sources हूँ, उन्हीं को quote करूँगा, बहुत जगह accurately लिखा हुआ है। तो मैं काफी questions आपके answer होंगे, क्या America Judeo-Christian country है? क्या America दुनिया में क्रिश्चियन कंट्री माना जाता है? क्या फाउंडिंग फादर्स ने प्लान किया था? देखिए, अमेरिका जैसे देश के फाउंडिंग फादर्स हो सकते हैं लेकिन भारत के नहीं, क्योंकि भारत वर्ष पुराणों में मेंशन्ड है, वेदों में मेंशन्ड है, तो भारत के फाउंडिंग फादर्स नहीं हो सकते। और भारत का जो इंडिपेंडेंस है वो छीना गया है ब्रिटेन से, तो जो भी वो लोग बात करते हैं डोमिसाइल है या पेपर ग्रांट किया गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रिटिश को बाहर फेंक दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं लात मार के ब्रिटिश को बाहर फेंका गया। शिवाजी महाराज ने मुगलों को बाहर फेंक दिया, तो भारत ने काफी स्वतंत्रता संग्राम लड़े हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूं, पहले मुसलमानों से लड़ा फिर क्रिश्चियन से लड़ा, क्योंकि ब्रिटिश जो था क्रिश्चियन साम्राज्य था। तो अमेरिका को क्या देखें, क्या अमेरिका ने किया, कौन से ट्रीटीज करे और क्या डिक्लेयर किया दुनिया को, वो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए जर्नी शुरू करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से, पहले प्रेसिडेंट कौन थे और वहां से हम शुरू करेंगे। सो लेट अस ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन। ये तीसरे प्रेसिडेंट है, नॉट द फर्स्ट। तो मैं जाता हूं सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन से। जॉर्ज वाशिंगटन, वो उन्होंने 1789 में शपथ ली April 30 एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनके पहले शब्द थे एज द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर सिचुएशन विल सर्व टू एस्टैब्लिश ए प्रेसिडेंट, ही रोट। James Madison, it is devoutly wished on my part that these precedents may be fixed on true principles. अभी तक Bills of Rights नहीं आया था। Bills of Rights काफी famous है अमेरिका का, तब तक नहीं आया था। इस समय युद्ध चल रहे थे, ये 13 colonies की बात हो रही है, और मैं आपको मैप पे दिखाता हूं कि 13 colonies की जब हम बात करते हैं वो कौन सी थी, क्योंकि ये आपको मालूम होना जरूरी है कि अमेरिकन ग्रोथ, जो भी अमेरिकन टेरिटरी है वो फ्रेंच, इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच, इंग्लिश और इन सबकी लड़ाई से बनी है। सबकी लड़ाई चलती रहती थी और उससे बनी 13 कॉलोनीज। वो 13 कॉलोनीज जनरली नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज है जो आपको दिख रही है इधर, तो वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया, इस एरिया की 13 कॉलोनीज है टोटल। ये 13 कॉलोनीज है, कैरोलाइनास और कुछ स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है। तो ये जो टेरिटरी थी ये पहली अमेरिका की पहली टेरिटरी थी, और ये 13 कॉलोनीज में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जब साइन किया गया वो एंग्लो सैक्सन्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड से आजादी ली, उसमें किसी नेटिव अमेरिकन के सिग्नेचर नहीं थे। सो मैं शेयर कर रहा हूं टैब को, ये मैप है और इसमें जो आपको दिख रहा है कर्सर में 13 कॉलोनीज है, इसमें से किसी ने भी नेटिव अमेरिकन ने साइन नहीं किया, उनको हरा दिया। इस समय उनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो नेटिव अमेरिकन को पता भी नहीं था कि ये आजादी के डिक्लेरेशन कर रहे हैं,
किसी को भी पता नहीं था, नेटिव अमेरिकन को। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अमेरिका में आए और घर वालों से बिना पूछे हुए आपने अपनी आजादी डिक्लेयर करी क्राउन के साथ, लेकिन जिस जमीन पे आपने कब्जा किया है आपसे आजादी कौन डिक्लेयर कर रहा है? तो कौन यहां पे गुलाम बना? नेटिव अमेरिकन बने। उनकी आजादी की बात कहीं है नहीं। तो ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो है एंग्लो सैक्सन्स का, कभी कभी उनको पिलग्रिम्स बुलाते हैं जो यहां पर आए, मतलब वो पिलग्रिम के कहीं तीर्थ यात्रा में नहीं निकले हैं वो, मतलब उन्होंने जो इधर आके अपने धर्म का परचम फैलाया क्रिश्चियनिटी का चर्च ऑफ इंग्लैंड से, और वो लोग तो वहां से भागे थे जहां पे गरीबी थी, वहां पे लैंड राइट्स नहीं थे, वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और कुछ लोग वहां के जेलों में बंद थे, तो जेल से भागकर इधर लाए गए सबके सब भगाकर, और यहां पे युद्ध चल रहा था। तो जो भी यूरोपियन युद्ध था यहां पे लड़ा गया, और यहां के लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लोग हैं कौन, ये कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। बाद में पता लगा कि ये वहां के चर्च से भागे हुए लोग हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड से भागे हुए लोग हैं, और यहां पर आकर इन्होंने ये जो जगह बनाई है काफी यूफेमिस्टिकली बॉस्टन टी पार्टी और ये सब बातें होती हैं, बट बेसिकली किंग ऑफ इंग्लैंड की टायरनी से बचने के लिए भागे थे ये लोग, चर्च की टायरनी से बचने के भागे थे, और यहां पर आए तो उनकी इतनी जमीन मिली, और इन्होंने जितने भी नेटिव अमेरिकन थे, इंडियन नेटिव, इनको इंडियन बुलाते थे, क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से, क्यों इंडिया ढूंढने निकला था तो इंडियन बुलाते थे, और इंडियन शब्द जो है इंदू से आता है, इंदू, इंदू महासागर, उसी को ग्रीक्स ने कर दिया इंडिया, तो वहां से आता है वो शब्द। तो यहां पर आके इन्होंने सबको गुलाम बनाया और फिर आजादी डिक्लेयर कर दी चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध। तो क्योंकि नेटिव अमेरिकन ने किसी ने साइन नहीं किया तो वो लोग आज भी गुलाम रहे, क्योंकि जमीन तो उनकी थी, वो यहां पे रहते थे। ये बात सच है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किमि जगत्यां जगत्, पूरी पृथ्वी पे सारी भूमि ईश्वर की है, भगवान की है, तो ये बात भी सच है। अब 1776 में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है उसमें बड़ा क्लियरली है, मेंशन है कि क्यों किंग ऑफ इंग्लैंड से उनको आजादी चाहिए, क्योंकि यहां के लोग इतने परेशान थे चर्च ऑफ इंग्लैंड से, किंग ऑफ इंग्लैंड से, वहां के लोग कि चाहते थे कि हमको कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको अपनी गवर्नमेंट चाहिए, और हमको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, और इनकी हम लड़ाई में पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी ब्रिटिश फ्रेंच के साथ लड़ रहे हैं, नेपोलियन के साथ लड़ रहे हैं, कभी ब्रिटिश सीज के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, कभी यूरोपियन ट्राइब्स के साथ लड़ रहे हैं, कैथोलिक चर्च के साथ लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई से बचने के लिए और खुद अपनी जमीन पे अपना जीवन जीने के लिए वो यहां पर आए, और उन्होंने यहां पर आके, क्योंकि उन्होंने वहां पे इंग्लैंड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल देखी थी, बहुत ही वायलेंट लाइफस्टाइल देखी थी और गंदी पॉलिटिक्स देखी थी। आपने तो पढ़ा ही है इतिहास में कि 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में वहां पे टॉयलेट्स भी नहीं होती थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। उस गरीबी से बचने के लिए, नया जीवन शुरू करने के लिए वो यहां पर आए, और इतनी सारी जमीन देख के वो थोड़ा सा चौंक भी गए, इतनी जमीन है, तो उन्होंने मान लिया कि ये हमारी जमीन है और भगवान ने हमको जमीन दी है, और उनको लगा कि जो हमारे जैसा नहीं दिखता है वो मेरा दुश्मन है, और उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे नरसंहार किया। और यहां पे ब्रिटिश आर्मीज इन्वॉल्व थी, फ्रेंच आर्मीज इन्वॉल्व थी, ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग अपनी आजादी डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंच ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग अपनी आजादी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फिर भी हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि जब से पहला राष्ट्रपति इनका बना तब से अब तक क्या क्या इनके कारनामे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जानना। तो जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे और उनके असिस्टेंट थे जेम्स मेडिसन, जो कि चौथे
प्रेसिडेंट थे। तो उसके पहले थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन जन, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, जेम्स मोनरो, जॉन क्विंसी एडम्स, एंड्रू जैक्सन, मार्टिन वॉन, तो सारे प्रेसिडेंट्स हैं। जॉन टाइलर, जेम्स के पोक, जैकरी टेलर, सारे के सारे एंग्लो सैक्सन्स शुरू से ब्रिटिश चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले लोग, इसीलिए इंग्लिश जो है यहाँ की भाषा बन गई। जॉर्ज वाशिंगटन एक मिलिट्री मैन थे और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने शनानदोश लैंड थॉमस के लिए लॉर्ड फेयरफैक्स कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल इन द ब्रिटिश आर्मी इन 1754 और फ्रेंच और इंडियन वॉर में पार्टिसिपेट किया। वो एट थे जनरल एडवर्ड ब्रडॉक के और उन्होंने फाइट करा यहाँ पे। इन 1759 वॉशिंगटन मैनेज हिज लैंड्स अराउंड माउंट वर्नन एंड सर्व्ड इन द वर्जीनिया हाउस ऑफ बुर्गेसेस और काफी वहां पे खेती भी करते थे और ब्रिटिश ब्रिटिश मिलिट्री के भी एजेंट थे और उनको लगा कि ब्रिटिश मर्चेंट्स और ब्रिटिश रेगुलेशन से हिज वर्क इज गेटिंग हैम्पर्ड और ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द रूल्स ब्रिटिश रूल्स जो ट्रेड के ऊपर लगाए गए थे, ही फॉट अगेंस्ट देम, जैसे इंडिया में भी हुआ। और सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो फिलाडेल्फिया में हुआ मई 1775 में, वो वर्जीनिया के डेलीगेट थे और उनको कमांडर बनाया गया, चीफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी, इन द कमांडर, इन द चीफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी। तो उन्होंने 6 साल तक युद्ध लड़ा और उन्हें उनका बेस्ट स्ट्रेटेजी था टू हरास द ब्रिटिश। उन्होंने बोला, वी शुड ऑन ऑल ओकेजंस अवॉइड अ जनरल एक्शन और पुट समथिंग एनीथिंग टू द रिस्क अनलेस कंपेल्ड बाय नेसेसिटी इनटू व्हिच वी ऑट नेवर टू बी ड्रॉन। ये डेटा व्हाइट हाउस की वेबसाइट से है। और थोड़े समय में उनके बाद इन 1781 फ्रेंच का उन्होंने अलाइज बनाए और सरेंडर ऑफ कॉर्नवालिस एट योर्कटाउन काफी फेमस इंसिडेंट है ये, मतलब 1776 डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस के बाद 1781 में पहला युद्ध, पहला जो विक्ट्री थी वो वाज अगेंस्ट द फ्रेंच और उनको लगा कि द नेशन इज नॉट सर्विंग वेल, तो उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया। द इलेक्टोरल कॉलेज यूनिनिमसली इलेक्टेड वॉशिंगटन एज प्रेसिडेंट और उनको लगा कि जो पॉलिसीज होती है, प्रेसिडेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस को देता है उसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ही बिकेम ए प्रेसिडेंशियल कंसर्न और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हुई, ही इज रिफ्यूज टू एंटायरली, मतलब जो थॉमस जेफरसन की रिकमेंडेशन थी जो कि सेक्रेटरी था, जो प्रो फ्रेंच थे, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो भी प्रो ब्रिटिश थे, उन्होंने सोचा कि हम न फ्रांस की तरफ जाएंगे न इंग्लैंड की तरफ जाएंगे। एंड ही एंजॉयड हिज टाइम एंड कि उन्होंने उन्होंने एंजॉयड हिज टाइम एज ए न्यूट्रल एंड देन ही इंप्लीमेंटेड ए फिलॉसफी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू बी रिलीजियसली न्यूट्रल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थॉट्स के, नहीं, यूनिवर्सल थॉट्स पे अमेरिका बना है। उसका प्रूफ दूंगा कि किस तरह जो इनका जो अगला प्रेसिडेंट है जॉन एडम्स, उसने, सेकेंड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक्लेयर किया, वो भी फाउंडिंग फादर, उनके साथी थे, असिस्टेंट थे इनके, सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अमेरिका जो है क्रिश्चियन नेशन नहीं है। मैं इसका प्रूफ दूंगा। जो दूसरे प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स, जॉन एडम्स फिलोसोफर थे और जॉर्ज वॉशिंगटन के वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब बड़ा क्लोज वर्किंग रहेगा इनका, और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन थे,
मोर देन ए पॉलिटिशियन। तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी वार में फ्रांस और हॉलैंड में प्रो फ्रेंच थे वो, और नेगोशिएट द ट्रीटी ऑफ पीस, और ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ सेंट जेम्स, किंग जेम्स एक्चुअली लिखा है, सेंट जेम्स लिखा है, किंग जेम्स के वो उनके कोर्ट में थे। तो मतलब जेम्स का, किंग जेम्स का इन्फ्लुएंस उस समय भी बहुत ज्यादा था। तो दो बार वो वाइस प्रेसिडेंट रहे अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन, और फिर वो प्रेसिडेंट बने। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था फ्रांस एंड कि फ्रांस के साथ नेगोशिएट किया जाए। उन्होंने तीन कमिश्नर भेजे फ्रांस को। 1798 फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू नेगोशिएट विद देम, तो एक्स वाई एंड जी फ्रेंचमैन को उन्होंने एक्स वाई जी लिखा। जेफरसन ने बोला एक्स वाई जी फीवर, और इस तरह उनका उनका कॉल था, ये कैंपेन भी था, और अमेरिका का फ्रांस के साथ लड़ाई हुआ फ्रेंच प्राइवेटियर्स, जो कि फ्रांस ने ब्लॉकेट किया अमेरिका के शिप्स को। तो अब ये भी जो है, इन्होंने एक उन्होंने मिडिल ईस्ट के साथ जो ट्रीटी साइन करी जॉन एडम्स ने, वो साइन करी उन्होंने ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली। और ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली मैं बार बार तीन चार दिन से डिस्कस भी कर रहा हूं बार बार लोगों को बताने के लिए। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में 11वां जो आर्टिकल है वो लिखते हैं जॉन एडम्स, साइंड है ये ऑन द फोर्थ डे ऑफ डिसंबर 1796, डिसंबर है नवंबर 1796। आर्टिकल 11 में लिखा है, एज द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट इन एनी सेंस फाउंडेड ऑन द क्रिश्चियन फेथ, as itself has no character enmity against the laws, religions, or tranquility of Musliman, and never into war, very clearly. Christian के ऊपर अमेरिका नहीं बना, ये founders बता रहे हैं, ये दो बार vice president रहे हैं। तो अमेरिका को Judeo-Christian बताना is a faulty thing, ये यहाँ के American president ही शुरू के समय बता रहे हैं। अब देखिए तब से अब तक अमेरिका कितना चेंज हो गया है। आज अमेरिका बात करता है क्रिश्चियनिटी की, कि जुडियो क्रिश्चियन ये कब आया, जुडियो क्रिश्चियन बैकग्राउंड का ड्रामा कब आया, वो भी मैं आपको बताता हूं किस प्रेसिडेंट के टर्म में ये शुरू हुआ, जबकि फाउंडर्स ने ऐसा कोई बात नहीं किया था। थॉमस जेफरसन ये भी मिलिट्री लीडर थे, इनका वेस्टवर्ड एक्सपेंशन सबको मालूम है, ही वॉज ए मिलिट्री जनरल। सैंडी हेयर वॉज रादर टॉल एंड ऑकवर्ड, कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वर्जीनिया हाउस से थे, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में थे, और साइलेंट मेंबर ऑफ द कांग्रेस। इन्होंने फ्रांस में, ये भी फ्रांस से कनेक्टेड थे, सक्सीडेड बेंजामिन फ्रैंकलिन एज मिनिस्टर टू फ्रांस। इनका काफी सहानुभूति था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और इसके लिए उनका अलेक्जेंडर हैमिल्टन से भी लड़ाई हुआ, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे प्रेसिडेंट वॉशिंगटन के कैबिनेट में। शार्प और इनका जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है, दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि ये वॉशिंगटन, ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट है, तो बहुत सारी क्रिटिकल चीजें नहीं लिखी जाएंगी, ओनली मेजर थिंग्स विल बी रिटन हियर। जेम्स मैडिसन, इन्होंने रेटिफिकेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और ही द फेडरलिस्ट पेपर्स अलेक्जेंडर हैमिल्टन के साथ एंड जॉन डे जे के साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी माने जाते हैं, जेम्स मैडिसन। फिर आए जेम्स मोनरो, जेम्स मोनरो फिफ्थ प्रेसिडेंट है एंड द लास्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम द फाउंडिंग फादर्स, और इन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि नेशनलिज्म, अभी इस समय भी अमेरिका का युद्ध चल रहा है नेटिव अमेरिकन्स के साथ हर जगह, तो अब देखेंगे यूएस ट्रूप्स कॉन्करिंग, और यूएस आर्मी इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। तो यूएस आर्मी वॉज इन्वॉल्व एक्टिवली इन
डिस्ट्रॉइंग द नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी, ट्राइब्स के ऊपर लड़ाई करना, ये इनका काम चल रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्रेसिडेंशियल फ्रेमवर्क है, ये दुनिया को दिखाने के लिए, बिकॉज दे आर फाइटिंग विद द ब्रिटिश ऑल्सो, ब्रिटिश भी देखना चाहते हैं कि फेल हो जाए ताकि वो वापस इसको अपनी टेरिटरी बनाए। तो ब्रिटिश भी ये चाहते हैं, फ्रांस भी चाहते हैं कि अमेरिका वापस वही टेरिटरी बने, क्योंकि इस समय फ्रांस जो है 1/3 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को रूल कर रहा है इस समय, मतलब इस समय की बात कर रहा हूँ, 1700 की बात कर रहा हूँ। तो पूरा कनाडा का नगन पार्ट और लुइजियाना से लेके कनाडा तक पूरा फ्रेंच टेरिटरी है। और फ्रेंच जो है उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ ट्रीटी साइन करी और दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द एम्युनिशन टू द नेटिव अमेरिकन टू रेजिस्ट द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये चल रहा है उस समय। अब ये जो जेम्स मॉनरो के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन, जेम्स मॉनरो, ये पांच फाउंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं, जो फाउंडर्स माने जाते हैं, है ना। उसके बाद आए जॉन क्विंसी एडम्स। जॉन क्विंसी एडम्स सिक्स प्रेसिडेंट हैं, काफी पॉलिटिकल एक्टिवली रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, और ही वॉज द सन ऑफ द सन ऑफ ए प्रेसिडेंट, मतलब उनके जो पिताजी हैं, ही वॉज दी, अगर आप देखें कि जेम्स मेडिसन, उनके पुत्र हैं, मारे जाते हैं। तो क्विंसी एडम्स, और इनका भी युद्ध चलता रहा सबके साथ। एंड इफ यू सी द 1924 का जो है वो जॉन टेलर है, ये सॉरी फ्रैंकलिन पियर्स, आई थिंक बेंजामिन हैरिसन, थियोडोर रूजवेल्ट है, थियोडोर रूजवेल्ट भी नहीं है, टैफ्ट, हाँ तो विलियम हावर्ड टैफ्ट, जो 27th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स, उनके समय में नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप देने की बात हुई। और वुड्रो विल्सन ने जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, मतलब स्लेव ओनर्स का मूवमेंट है, 28th प्रेसिडेंट है, ही टुक द अमेरिका टू वर्ल्ड वॉर वन। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके बाद दे ट्राई टू मेक पीस, वॉरेन डी हार्डिंग एंड कैल्विन कूलिज इज द प्रेसिडेंट, जिसके टर्म में फॉर द फर्स्ट टाइम नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दी गई। ओके, तो ये थे 30th प्रेसिडेंट। तो 30 प्रेसिडेंट होने के बाद नेटिव अमेरिकन को प्रेसिडेंट दी गई, तो बहुत ही थोड़े समय पहले दी गई है, मतलब 248 ईयर्स के इतिहास देखें तो उस जो अभी जो 45th प्रेसिडेंट चल रहे हैं, अभी 46, अगर जोसेफ बाइडेन को देखें तो वो चल रहे हैं इज दी 46th प्रेसिडेंट माना जाता है उनको। सो अब जो 47th आएंगे तो इनको 45th माना जाता है। तो अभी वो उस तरह का तो बिजनेसमैन जो ऑल्टरनेटिव है वो 45th प्रेसिडेंट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत ही इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, द कैल्विन कूलिज के समय में, कैल्विन कूलिज के समय में नेटिव अमेरिकन को प्रेसिडेंट, मतलब सिटीजनशिप दी गई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस एंड सेनेट, क्योंकि तब तक कॉलोनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था और जो रिजर्वेशन इन्होंने प्लान किए थे कि सबसे खराब जमीन में इनको धकेल दो ओक्लाहोमा की तरफ और साउथ की तरफ, तो जैसे सबको या तो मर जाओ या मार दिए जाओ या फिर उनको पुश कर दिया जाए साउथ में। दैट्स हाउ दिस हैपेंड। और साउथ में जनरली पैस्टर्स रखे गए थे। तो नाउ टेल यू ए डिफरेंट हिस्ट्री। तो बिल ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, तो 1778 कॉलोनियल एरा प्रैक्टिस था,
साइनिंग ट्रीटीज विद ट्राइब्स टू मेंटेन पीस, उसको ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने का कोई भरोसा नहीं था इनका। बट थर्स्ट फॉर नेटिव अमेरिकन लैंड प्रूव स्ट्रॉन्गर देन गवर्नमेंट प्रॉमिसेस, नेटिव अमेरिकन्स कॉल ट्रीटीज टॉकिंग लीव्स दैट ब्लू अवे एट इजीली एज, मतलब ऐसा है कि पतझड़ में पत्ते उड़ते हैं, उस तरह का उन्होंने नेटिव अमेरिकन ट्रीटीज को बताया। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली 1871 में ट्रीटी बनाना बंद कर दिया ट्राइब्स के साथ 1871 में, क्योंकि उनको लगा कि हम कितना झूठ बोलेंगे। तो फर्स्ट ट्रीटी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ 1778 में, और वो ट्रीटी क्या था आप उसको देखिए जरा ट्रीटी को। सो द ट्रीटी वॉज encourage tribes to either fight against the British or remain neutral. So few, तो अमेरिका जो है जो भी न्यूट्रल रहता है उसके साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करता है, और अमेरिका ने कोई भी ट्रीटी की है वो उसी को इंप्लीमेंट नहीं किया है कभी भी। सो डेलावेयर वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइब्स दैट अलाइड विद अमेरिकन्स, इसलिए ये ट्रीटी इनके साथ साइन की गई। ठीक है, पीस फॉर ट्रीटी, और ये था द ग्रोइंग अमेरिकन पॉपुलेशन मींस द यूरोपियन एंग्लो सैक्सन, उनको नई जमीन चाहिए थी इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन लैंड्स। हाउएवर जो कांग्रेस थी उसको लगा कि नेटिव अमेरिकन से बहुत थ्रेट है उसको। सो देन व्हाट दे डिड वाज कि फेडरल गवर्नमेंट को सोल राइट दिया गया टू परचेज नेटिव अमेरिकन लैंड्स, होपिंग टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ अमेरिकन सेटलमेंट एंड प्रिवेंट फर्दर वॉर। ये 1787 की है, प्रीस फॉर प्रॉस्पेरिटी। मेजर फिलिप ने जो जनरल वॉशिंगटन, जो जॉर्ज वॉशिंगटन ओपिनियन नेटिव अमेरिकन अफेयर्स में था, ही साइन दिस ट्रीटी टू एक्चुअली टेल नेटिव अमेरिकन्स, पेपर पे लिख के दिया कि हम आपको, हम आपसे जमीन चाहते हैं एंड वी वॉन्ट टू यू टू गिव अस पीसफुली। ये पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। फिर रिमूवल एंड रिलोकेशन 1830 to 1849, मोस्ट ईस्टर्न नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जो थी रिमेन ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर। Some tribes attempted to assimilate in the hope they could remain on their ancestral homeland. मतलब पुश्तैनी जमीन से छीना जा रहा है। And however, the demands of the expanding United States would lead to a shift in federal Indian policy that favored removal of tribes west of Mississippi. East of Mississippi से west, मतलब उन्होंने north से push किया east की तरफ, south east की तरफ, फिर उन्होंने central में डाल दिया जहां पे कुछ उगता नहीं है। मैं कोई मैप दिखाता हूं अमेरिका का, अगर अमेरिका का मैप देखेंगे, आई एम शेयरिंग यू, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं मिसिसिपी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिसिसिपी रिवर ने। ये पूरा ऊपर से बीच में से काटती है, ईस्ट ये पूरा टेरिटरी है। तो पहले ये 13 स्टेट्स हैं, इधर से उन्होंने पुश किया नेटिव अमेरिकन्स को निकाल के नीचे की तरफ लेकर आए। अब उनका प्लान था इनको ईस्ट से वेस्ट में डाल देना, और आप वेस्ट का जमीन देख रहे हैं पूरा बंजर है। ये सारे स्टेट्स अरकनसास, टेक्सास, ओक्लाहोमा, ये सब जगहों पर यहाँ पे पुश किया गया फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। ये दिस इज द प्लान। फिर उसके बाद ये था 1830 से 1849 के बीच में। फिर इंडियन रिमूवल एक्ट आया 1830 में, फिर चेरोकी रिमूवल हुआ 1835 में, फिर आया रिजर्वेशन टू एसिमिलेशन। तो यहाँ पे चर्चेस का बहुत रोल चला 1850 से 1889 तक। तो यहाँ पे चर्चेस को भेजा गया कि इनको कन्वर्ट किया जाए, तब आप देखेंगे चर्च में इनके बच्चों को डाला गया ताकि ये लोग या एंग्लो सैक्सन मेल एंड नेटिव ट्राइब की वुमेन, अगर दोनों का शादी हो, दोनों के बच्चे होंगे,
एंड दोज चिल्ड्रन विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप वही देख रहे हैं कि बहुत सारा मिक्सचर है, क्रिश्चियनिटी को घुसेड़ दिया गया है इनके मन में, और अभी भी अब उससे क्या हुआ, जो नेटिव रिलीजन है उस पर वो डाउट्स करने लगे, नेटिव कल्चर के भी डाउट करने लगे, और अगर कोई बोलता तो नेटिव बोलने पर ही उनको शर्म आती थी, और अगेंस्ट देयर विल इनटू रिजर्वेशंस वेस्ट ऑफ मिसिसिपी फॉर एक्सपेंडिंग सेटलमेंट। जो आज इसराइल कर रहा है सेटलमेंट एक्सपेंशन, सेम स्ट्रेटेजी से ये बने, और उनका यही प्लान था भारत के लिए। ओनली प्रॉब्लम था भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट आज भी ऐसा काम करती है, ब्रिटिश लैंड, जो ब्रिटिश के जो लैंड एग्रीमेंट है उसको वापस आज भी उसको यूज किया जाता है भारत में, बट यही लैंड एग्रीमेंट दे स्टार्टेड यूजिंग। तो ये नेटिव अमेरिकन के डेलीगेशन गए थे कांग्रेस में दिखाने के लिए कि वी वॉन्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज लॉज, मतलब किसकी जमीन पे है, नेटिव अमेरिकन की जमीन पर है, लेकिन को अब उनको वहां पे पेटिशन करना पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, वेस्ट की तरफ पुश करो, दिस इज सॉल्यूशन। उन्होंने मैप्स बनाए, ओमाहा रिजर्वेशन, द डॉज एक्ट, होपी रेपिटेशन एक्ट, सो फोर्स एसिमिलेशन बाय सेपरेटिंग नेटिव Americans from their tribal affiliations and turning them into farmers and eventually American citizens. Forced assimilation kiya gaya kyunki most of the Native Americans jo the they were very simple people living on the land. Wo bhi solution nahi hua, to uske next strategy bani, kill the Indian, save the man through इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप्स। तो लैंड को बेचना शुरू कर दिया, मतलब पेपर के बेसिस पे पूरा पोलराइजेशन हुआ। पेपर, मैंने पेपर लिखा है, आई बिलीव इन इट एंड यू टू फॉलो इट, इफ यू डोंट फॉलो इट मैं खत्म कर दूंगा। सो एनीवन हु फॉलोड द ब्रिटिश पेपर स्ट्रेटजी, जो काम ब्रिटिश ने इंडिया में किया वही एंग्लो सैक्सन्स ने काम अमेरिका में किया अगेंस्ट द इंडियन हियर। तो डॉज एक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 1892-1890 में, और इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप, उसमें बैन किया गया ट्रेडिशनल कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड एस्टैब्लिश कंपलसरी इंग्लिश एंड क्रिश्चियन चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये डॉज एक्ट था। द इफेक्ट्स ऑफ डॉज एक्ट वर नेगेटिव एंड एंड्यूरिंग, इट डैमेज ट्राइबल एफिलिएशंस, फैमिलियल एंड सोसाइटल रोल्स एंड द इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। रिलीजन कल्चर सब बैन कर दिया गया। यही काम होता भारत में अगर भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम नहीं किया होता। हिंदू धर्म को बैन किया जाता, जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है और डीएमके के लोग कर रहे हैं। हिंदुओं को बैन किया जाता, उनके रिलीजन प्रैक्टिस बैन लगाई जाती, उनका कन्वर्जन होता, जैसे मुसलमानों ने जिजिया किया था, सेम थिंग एंग्लो-सैक्सन्स ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ किया। 1890 में वुंडेड मैसेकर हुआ, लार्ज स्केल पे घोस्ट डांस, कमिंग ऑफ नेटिव अमेरिकन पैराडाइज, इसको क्या बोला है, घोस्ट डांस। वो अपने स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, इसको बोला है भूतों का नाच। एंड सियू जो उनका ट्राइब है, सियूक्स ट्राइब है, और टू रिमूव द नॉन इंडियंस फ्रॉम देयर लैंड, इन्होंने तो नेटिव अमेरिकन ने भी गिव अप नहीं किया, लड़े बहुत लड़े वो। और जो इंडियन एजेंट्स थे जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मतलब पहले रिलीजन से कन्वर्ट कराया, जो कन्वर्टेड लोग हैं उन्होंने अंदर से अपोज किया, जैसे भारत में होता है कन्वर्टेड लोग भारतीय सिविलाइजेशन को अपोज करते हैं, सनातन धर्म को अपोज करते हैं। सेम स्ट्रेटेजी वॉज यूज। तो भारत का भी कॉलोनाइजेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इज ए अनफिनिश्ड एक्ट चल रहा है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नॉट एंडेड टिल डेट। एंड भारतीय गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही लगे हुए हैं इस कन्वर्जन को करने के लिए। इंडियन बोर्डिंग स्कूल्स
1890 इन बोर्डिंग स्कूल्स में ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्ट्स हैं। ट्रेडिशन से बच्चों को सेपरेट किया गया ट्रेडिशनल फैमिली से और उनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाई गई, और जो बेचना नहीं चाहता था द गवर्नमेंट ने कोर्शन यूज किया एंड विदहोल्डिंग ऑफ राशन टू फोर्स देम टू सेंड देयर चिल्ड्रन, फोर्स किया गया। लॉट ऑफ पिक्चर्स आर देयर वेयर कार्लाइल इंडियन स्कूल ट्रेनिंग, फिर म्यूरे कार्लाइल इंडियन स्कूल ट्रेनिंग। तो जो भी अमेरिकन जो बात करते हैं कि कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो कंट्री कैसे बना है बड़ी दर्दनाक कहानी है। एंड हु पेड फॉर इट? नेटिव अमेरिकन्स। फिर उसके बाद एक दौर शुरू हुआ 1899 के बाद, बर्थ ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेटिव अमेरिकन्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सब कुछ फेल हो गया, तो दे हैव रिवर्स द फेडरल इंडियन पॉलिसी लेजिस्लेशन दैट एंडेड द डिवीजन ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल सॉवरेंटी। मतलब 1899 तक, 1776-1899 तक ये चलता रहा, और अब ट्राइबल सॉवरेंटी की बात करी, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फेक एग्रीमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने वाला था। अब उनको सुंदर चाहिए थे नेटिव अमेरिकन ट्राइब से, और नेटिव अमेरिकन वर नोन फॉर लिसनिंग, दे वर नोन एज विस्परर्स, तो दे यूज टू यूज द टेलीग्राफ मशीन और विस्परिंग मॉर्स कोड, और उनका पार्टिसिपेशन करने के लिए होम राइट्स, होम रूल, नेटिव अमेरिकन सिटीजनशिप दी गई वॉर के बाद, बिकॉज दे सॉ नेटिव अमेरिकन पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन वॉर। और फिर नया डील बनाया गया नेटिव इंडियंस के लिए, ये बना 1934 में, बहुत ही रीसेंट कहानी है। न्यू लेजिस्लेशन, द न्यू इंडियन न्यू डील टू रिवाइटलाइज ट्राइबल गवर्नमेंट्स। तो ये सारी गवर्नमेंट्स सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं अब तो। वो आपको लगता है कि शायद ये खत्म हो गया, नहीं, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, ओक्लाहोमा, टेक्सस, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया, सब जगह ये अभी भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। फोर्स एसिमिलेशन, 50 साल की जो पॉलिसी है, 50 साल तक फोर्स एसिमिलेशन, जैसे 70 साल तक हिंदुओं के विरुद्ध कैंपेन चल रहा है भारत में, अभी भी चल रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, सारी सेक्युलर गवर्नमेंट है, अभी भी चल रहा है। अभी भी हिंदुओं को राइट्स नहीं है, सेकंड क्लास सिटीजन है। एग्जैक्टली जो इन लोगों को किया, हिंदुओं को कैसे बचे हैं, रामायण महाभारत वेद पुराण की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। आज भी देखिए, मुसलमानों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, हिंदुओं को कम दिया जाता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी रूल्स लगा लगा के। तो फेडरल पॉलिसी शिफ्ट हो रही थी, टर्मिनल पॉलिसी एंडेड फेडरल रिकॉग्निशन, वापिस चेंज कर दिया, एंडेड ट्राइबल सॉवरेंटी एंड ट्राइबल बेनिफिट थ्रू ट्रीटीज। इन 1970s नेटिव अमेरिकन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी एंड सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिसेस टू शिफ्ट इट्स फेडरल इंडियन पॉलिसी टू वन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू रिकॉग्निशन ऑफ द राइट। ये हो गया पार्शियल ऑटोनोमी, मांगा हमको अपने अपने रूल्स को खुद ही गवर्न करना चाहिए, बोला। ये था 1953 से 2013 तक। एडवांसिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन 1968 में हुआ, नेटिव अमेरिकन का एक्टिविज्म चला है 68 में, सिविल राइट्स मूवमेंट, मतलब कालों को राइट्स मिल गए, नेटिव अमेरिकन को राइट्स नहीं मिले। मतलब यूएस गवर्नमेंट अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो, इफ यू लुक एट द एंटायर हिस्ट्री, एक इलीगल तरीके से चल रही है, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री। क्योंकि जिसकी जमीन है, 1970 में रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है, भारतीय गवर्नमेंट इसे पॉइंट उठाती नहीं है, कोई गवर्नमेंट उठाता ही नहीं है। अमेरिकन इंडियन रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, अमेरिकन इंडियन रिलीजियस वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज इट लैक पावर टू ट्रूली प्रोटेक्ट अमेरिकन इंडियन रिलीजियस फ्रीडम। और फ्रॉम द फर्स्ट यूरोपियन कॉन्टैक्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट नेटिव अमेरिकन्स टू क्रिश्चियनिटी। फेडरल पॉलिसीज हैड सपोर्टेड एफर्ट्स टू क्रिश्चियनाइज नेटिव अमेरिकन्स,
at times banning outright the practice of traditional religions on reservations. ये चल रहा है प्योरिटी लेटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या बोलता है ये, when chewed purity produces a hallucinogenic effect, its use is an integral part of some Native American religious practices. एक प्योरिटी करके एक पत्ते होते हैं, so they have to, तो ये भी उनका रिलीजियस पार्ट था, लेकिन इट वॉज बैन. और प्योरिटी बटन ग्रो ऑन, इसको आजकल मशरूम बोलते हैं, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में बहुत चलता है केमिकल. सो ये इतिहास इनका चल रहा है. नाउ 1978 में व्हेन दिस लेटर वाज क्रिएटेड, दिस वाज द फाइनली इसको एग्री किया गया. जो यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि इट इज टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, बिल्कुल सही बात नहीं है. USCRF, which is used, is a diplomatic tool to pressure other people. But America में religious freedom कहाँ है Native Americans की? आज भी नहीं है. उनकी जमीन पे सारे missions बने हैं, 21 missions in California. वो सारे disband होने चाहिए, लेकिन कोई दुनिया में इस बात को उठाता नहीं है. तो 248 years of American history अगर आप देखें, it is a history filled with violence against the natives and for anybody. Contemporary issues अभी भी चल रहे हैं, म्यूजियम एग्जिबिट्स लोग दिखा रहे हैं, ये एग्जिबिट कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये. व्हाइट में यूज दिस, कलर्ड में यूज दिस, पानी भी अलग अलग था पहले तो. मेनी मेनी सच थिंग्स आर देयर. एंड एंड द एसिमिलेशन हैज बीन सो पुअर कि इसके बारे में कितना हम बताएं उतना कम है. तो 248 इयर्स में अमेरिका ने क्या अचीव किया? 248 इयर्स में अभी भी वहीं पर है जहां पे था. और एक्सेसिवली फॉरेन पॉलिसी में फोकस क्यों किया जाता है अमेरिका में? टू मेंटेन द अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस फॉर ट्रेड. उसको एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डॉलर के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ पावर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि लोग क्वेश्चन ना करें. आप अमेरिका क्वेश्चन नहीं कर सकते, कब तक चलेगा पता नहीं. बट माय एडवाइस टू क्या रहेगा सभी अमेरिकन्स के लिए कि टुडे इज द टाइम, टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका, व्हाट हैज गॉन ऑन, हाउ अमेरिका वाज मेड, सबको मालूम है. अब इट इज द टाइम टू चेंज. First, recognize native religions, native cultures, and also other native cultures, like stop interfering. Christianity बढ़ाने के लिए interfere करना बंद करना चाहिए. और अगर economic ही focus है, then come out openly. What are we using for economics? Or what is the treaty needs to be signed for economics? तो आज के लिए इतना ही. शायद आपको आज अमेरिका ठीक से समझ में आया होगा. अब आप लोग डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का जो भी चलता रहता है वो तो नॉइज है, दैट इज जस्ट अ नॉइज. सब लोग को यूएस कांग्रेस में बैठना पड़ता है, एंड दैट्स वेयर द चर्च रूल्स, चर्च ऑफ इंग्लैंड, बॉस्टन एलिट्स, वो सब चलता है. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड आई रियली होप द बेस्ट फॉर एवरीवन इन यूएसए फॉर मेकिंग अमेरिका द नेशन दैट दे वांट टू मेक without any discrimination for all. Namaste and thank you.